सर्वन सिंह का कह रहा हूँ। तो लड़ेंगे, लेकिन आप लोग लड़ेंगे, तमाम लाभ प्रबलों बनाएंगे, फिर आपको हटना नहीं, या तो हमें कफन देना होगा या वोट देना होगा। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले पत्नी और बेटी की कसम खाकर वोट या कफन मांगने वाले विजय मिश्रा ने राज्यसभा चुनाव का गणित बदल दिया। देश को सुरक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए, प्रदेश के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी को हम समर्थन करेंगे, वोट देंगे और लोगों से भी समर्थन कराएंगे। चार दिन पहले ही एबीपी न्यूज के कैमरे पर विजय मिश्रा ने ऐलान किया था कि उनका वोट बीजेपी को जाएगा। आज उन्होंने अपना दिया हुआ बयान पूरा भी करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जी के साथ है, बाकी क्या रह गया है। विजय मिश्रा का वोट बीजेपी के खाते में जाना इसलिए अहम है क्योंकि विजय मिश्रा उस निषाद पार्टी के विधायक हैं, जिस निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद के बेटे प्रवीण ने गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की। यानी गोरखपुर का बदला लेने के लिए योगी ने सबसे पहले निषाद पार्टी को तोड़ दिया और उसके इकलौते विधायक को अपने खेमे में कर लिया। विजय मिश्रा योगी कैंप में इतनी आसानी से इसलिए भी चले गए क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त अखिलेश ने इनका टिकट काट दिया था। तब एबीपी न्यूज के कैमरे पर विजय मिश्रा ने अखिलेश यादव से अपनी जान को खतरा तक बताया था। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय महामहिम राज्यपाल जी को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली को कि हमारे पति, हमारे परिवार को, राम गोपाल यादव मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से जान का खतरा है। किसी भी रूप में, हवा से, पानी से, एक्सीडेंट से, बिजली से, दवाई से, हत्या हो, अपराध हो, कहीं से एक्सीडेंट हो, उसको जो मेन अभियुक्त हो, लेकिन उससे अभियुक्त राम गोपाल यादव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव माने जाए, ये बार बार कह दिया, लिख के आज फिर दे दे रहा हूँ। आज विधानसभा चुनाव में टिकट काटने के बदला विजय मिश्रा ने अखिलेश यादव से ले लिया। विजय मिश्रा भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक हैं। 2002 से लगातार विजय मिश्रा जीत रहे हैं। विजय मिश्रा की पत्नी विधान परिषद सदस्य हैं, बेटी 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। पूर्वांचल में विजय मिश्रा की गिनती बाहुबली नेताओं में होती है। इनके कद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राज्य में जब बीजेपी की लहर चल रही थी तब विजय मिश्रा ने निषाद पार्टी के टिकट पर लड़कर जीत हासिल की। 2012 में विजय जेल से ही चुनाव जीत गए थे। योगी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी पर रिमोट बम से हमला करने का आरोप इन्हीं विजय मिश्रा पर है। इस राज्यसभा चुनाव ने नंदी और मिश्रा को एक कैंप मिलाकर खड़ा कर दिया है। विजय मिश्रा पर 2 दर्जन से ज्यादा केस चल रहे हैं। विजय पर आय से अधिक संपत्ति का भी मामला चल रहा है। विजय मिश्रा के बीजेपी के करीब आने की शुरुआत पिछले महीने 6 फरवरी को हुई। इलाहाबाद में नितिन गडकरी के कार्यक्रम में विजय मिश्रा न सिर्फ पहुंचे बल्कि पैर छूकर गडकरी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें अपने पाले भी कर लिया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।